हेलो दोस्तों, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ चीज़ी पास्ता बन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ रहता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीले में थोड़ा सा पानी को डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं इसमें एक चम्मच नमक डालूंगी, एक चम्मच के करीब रिफाइंड तेल। अच्छी तरह से मिला लें। अब मैं इसमें डालूंगी पास्ता। पास्ता मैं यहाँ पे डिज़ानो का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी ब्रांड ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली अपने घर पे डेली लाइफ पे डिज़ानो का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये गेहूं के आटे और सूजी से बना है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होता है और हेल्दी चीज़ें बच्चों को ज़रूर से खिलाना चाहिए, ज़रूर से सर्व करना चाहिए। आजकल के डेली लाइफ पे बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, चीज़ी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत से बच्चों को हेल्दी चीज़ें सर्व कर पाएँ तो ज़रूर से करें। तो यहाँ पे डिज़ानो का जो पास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आपका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाके परचेज़ कर सकते हो। पास्ता डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे मैं 6 से 7 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस 6 से 7 मिनट पकाएं। 6 से 7 मिनट में पास्ता आसानी से पक जाएगा। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद अब ये पास्ता अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इस तरह से आप इसे कट करके देखें, अगर ये आसानी से कट जाए समझ जाइए कि आपका पास्ता रेडी है। ये आप देखें, बस इतने ही हमने इसे पकाना है, इसे ज़्यादा आप इसे मत पकाइए। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ एक गमले के ऊपर हम छन्नी रख देंगे और अब हम बॉईल किए हुए पास्ते को छान लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ये रुक जाए, ओवर कुक ना हो ये। अभी हमारा पास्ता तैयार है, इसे अब हम साइड पर रखेंगे। अब दूसरी तरफ हम पास्ते के लिए व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक खुला हुआ बर्तन ले लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन यानी कि गार्लिक। इसको इस तरह से बारीक चॉप कर लें। अब इसे जस्ट हम 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करेंगे, ताकि लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के मैदा। मैदा डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे फिर से 30 से 40 सेकंड के लिए भुनेंगे, ताकि मैदे की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और हल्का सा इसमें सुनहरा कलर आ जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे आपको ये प्रोसेस करना है, इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है। अब हमने मैदे को 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क यानी कि दूध। मिल्क मैं यहाँ पे 1 कप के करीब डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। कंटिन्यू इसे आप चलाते रहें, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। अब मैंने इसे कंटिन्यू 1 मिनट तक चलाया है। ये आप देखिए, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आधी चाय का चम्मच के करीब इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे ऑरेगानो। और यहाँ पर स्लाइस चीज़ इस तरह से ली हूँ, इसे इस तरह से 3-4 टुकड़े करके डाल लें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहो तो इसमें अपनी पसंद की सब्जी भी डाल सकते हो। अच्छा, इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना भूल गई हूँ, तो इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लें और इसे आप अच्छी तरह से मिलाएं। अभी हमारा व्हाइट सॉस तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ पास्ता।
पास्ता डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब हमने पास्ता डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, इससे बहुत ही अच्छा सा चीज़ी टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को फ्रीज से तुरंत ही निकाल के ना डालें, थोड़ा देर इसे बाहर रख लें, उसके बाद इसे ग्रेट करके डाल लें। चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे इसे। ये आप देखिए कितना अच्छा सा इसमें चीज़ी टेक्सचर नज़र आ रहा है। अब मैं इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसे ढक के हार्डली 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। 1 मिनट बाद अब हम ढक्कन खोल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएं, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये आप देखिए कितना अच्छा सा इसमें चीज़ी टेक्सचर नज़र आ रहा है। अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह का बन लेंगे, आपको मार्केट पे इस तरह के पाव बन कह सकते हो इसको, या फिर बर्गर बन कह सकते हो, आपको कोई भी बेकरी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर के हिस्से को इस तरह से कट कर लूँगी, थोड़ा सा डीप कट करें, और ये जो साइड साइड पे है इसे अपने फिंगर से इस तरह से प्रेस कर लें, थोड़ा सा ये हंडी टाइप का बन जाएगा। अब मैं इसके अंदर पास्ता डालूंगी। अभी हमने जो तैयार करके रखा हुआ है एकदम गर्मा गर्म, जैसे ही आप निकालें वैसे ही आप बन के अंदर डालें। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालूंगी। आप चाहो तो इसे इस तरह से कवर करके भी बेक कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा ऑरेगैनो डालेंगे। इसी तरह से सभी बंस हम बना के तैयार कर लेंगे। अब आप देखिए सभी बंस को हमने इस तरह से एक बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लिया है। अब हम इसे प्रीहीटेड OTG में 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी गर्म कर सकते हो। हार्डली 5 मिनट हमने इसे बेक कर लेने के बाद अभी हमारा चीज़ी पास्ता सर्व करने के लिए तैयार है। ऊपर से ये आप देखोगे थोड़ा सा क्रंची है, और अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एक पीस मैं आपको इस तरह से उठा के दिखा रही हूँ। ये आप देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा ये चीज़ी है। ये आप देखिए इसका लुक, बहुत ही मज़े की रेसिपी है दोस्तों। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली दोस्तों रिलेटिव के साथ में ज़रूर से इस रेसिपी को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।